वही मस्जिद होने के लायक है जिसकी बुनियाद में ही तकवा रखा गया हो अल्लाह और उसकी रज़ा हा शामिल हो वही असल मस्जिद है और वो मस्जिद नहीं है जो खुराफात के लिए बनाई गई थी जिसको कहते हैं डेढ़ इंट की मस्जिद यानी सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग के लिए और मंसूबे के लिए बनाई गई इसीलिए मेरे अजीज़ हो पता ये चला हासिल ये है कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र हो वो मस्जिद है और जहां मैं अब ऐड करके अर्ज करता हूं अल्लाह का जिक्र तो होता है लेकिन रसूल के जिक्र से चिड़ होती है वो भी कैसी मस्जिद है मस्जिद दर्रार यही थी मस्जिद दर्रार वह नमाज तो पढ़ रहे थे वो लोग नमाज पढ़ने के लिए बनाए थे लेकिन रसूल के खिलाफ मनसूबा करना था मुनाफिक को वह नबी पाक का एहतराम उन्हें नहीं चाहिए था इसलिए वो मस्जिद नहीं उस मस्जिद को जला देने का हुक्म फरमाया हम इसीलिए अपनी इन मस्जिदों में नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज के बाद बारगाह मुस्तफ़ा में सलाम भी भेजते हैं कि अल्लाह का हुक्म है अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पर सलाम भेजते हैं ईमान वालों तुम भी नबी पर दुरुदो सलाम भेजो अल्ला से दिना महमद वाल आलि वासहबी ही वबारिक वसलम सलातन दा सरमदन अबदा हमारी मस्जिदें दुरूदों से गूंजती हैं सलामों से गूंजती हैं नात पाक से गूंजती हैं यह इस बात की अलामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के लिए मस्जिदें कायम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक नौजवान से चंद दिनों पहले की बात है बातचीत हो रही थी कहे कि मेरा असर का वक्त हो गया कहीं सफ़र में था या कहीं पर तो नमाज़ पढ़ने के लिए इधर उधर तलाश कर रहा था तो ये एक जगह मिली मस्जिद थी वो कहता है वो मशकूक लग रही थी पता नहीं मस्जिद है कि नहीं है किसकी है लेकिन थोड़ी देर के बाद दिल को करार आया नमाज़ पढ़ करके आ गया कहा पाक जगह नमाज पढ़ सकते हैं मस्जिद ज़मीन अगर पाक है नमाज का वक्त हो रहा है नमाज पढ़ना है पढ़ सकते हैं तो उसने कहा नहीं मुझे यकीन हो गया था इतमान हो गया था कहा क्यों कहा कि दीवार पर असला तोलामी रसूल अल्लाह लिखा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी इतनी शुद्ध बुद्ध रखते हैं कि जहाँ की दीवारों से मेरे मुस्तफ़ा का सलाम हो वो मस्जिद है वो मस्जिद है मेरे अज़ीज़ उस मस्जिद ज़रार का जिक्र इसमें आया है आज हमने जो तिलावत की है ये मुनाफिकीन की साजिशों का अड्डा था उसको ख़त्म कर दिया गया हैरत की बात मैं आपको बताऊं, क़ुरान ने जिसको मस्जिद तकवा कहा यानी वो मस्जिद कुबा है मदीने में मौजूद है और बाद मुफसरीन परमाते हो मस्जिद नबवी है क्योंकि उसकी बुनियाद ही तकवे की बुनियाद पर रखी गई अल्लाह उसके रसूल की रज़ा है लेकिन जिस मस्जिद को ढा दिया गया मस्जिद जरार ख़त्म कर दिया गया इन सऊदियों ने उस जगह को भी आज महफूज रखा है वहां पर भी इन लोगों ने उसकी भी हिफाजत कर ली है हर एक को अपने पुरखों से मोहब्बत होती है यहूदियों से रिलेटेड चीजें भी इन्होंने संभाल रखी हैं, लेकिन मेरे नबी से रिलेटेड जो चीजें थी उसको चुन चुन करके खत्म कर डाला खैर और एक जिक्र इसमें आया है तीन सहाबा का जंग तबोक में मेरे आका जा रहे थे तो ऐलान फरमा दिया कि सारे लोग चलें सबके ऊपर हुक्म था ये जंग तबोक क्या है तकरीबन मदीने तयबा से ९०० किलोमीटर दूर है और ऐसे हालात में ये जिहाद का ऐलान था जब सख्त गर्मी का मौसम था सफ़र लंबा मुसलमानों के पास उस वक्त माल की कमी बहुत थी उसको जैश भी कहते हैं तंगी वाले जंग तंग दस्ती वाली जंग ऐसे में इम्तिहान था सबका सब तो चल पड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से रुखसत हुए तीन सहाबा मदीने में पीछे रह गए वो तीनों सहाबा में से एक हजरत काबिन मालिक एक हजरत मुरारा एक हजरत हिलाल ये मुखलिस मोमिन हैं है। मुनाफिकीन की बात नहीं कर रहा हूँ सच्चे सहाबी रसूल हैं लेकिन पीछे रह गए फ़ौज में शामिल नहीं हो सकेज़ुर पाक अलैहि वसल्लम के साथ जाना था लेकिन जा ना सके सब जवान थे सब ताकत वाले थे सब के पास ऐसी है थी क्यों नहीं गए देखें जिहाद में न जाने के लिए कुछ उज़्र है या सख्त बुढ़ापा है या माजूरी है बीमारी है तो उसको मुस्तना है उसके लिए एक्सेप्शन है लेकिन जिसके पास कोई उज़्र नहीं था वो घर में बैठा रहा यह तीन साहबा ऐसे थे इनके पास उज़्र तो नहीं था लेकिन गफलत में नहीं गए किस तरह की गफलत ये सोचते हुए कि अभी मदीने में ही है साहबा हजूर के साथ जा रहे हैं उठ करके शामिल हो जाएंगे जैसे पीछे खड़े रहते ना अभी इमाम साहब तो किरत कर रहे हैं रुकू में जाने के वक्त शामिल हो जाएंगे लेकिन हुआ ये कि थोड़ी देर के बाद और सुस्ती आई और सुस्ती आई फिर मदीने से भी हुज़ूर निकल गए साहबा भी चले गए ये सोचते रह गए कि अभी बाहर ही तो गए हैं निकल करके शामिल हो जाएंगे मदीने से बाहर कितनी दूर है दौड़ कर के शामिल हो जाएंगे फिर सो गए और काफिला चल पड़ा ये हमारे साथ भी हो सकता है और होता भी है और हम बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें खो जाते हैं नमाज़ें खो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी गफलत की वजह से होती हैं बहरहाल वो साहबा इकराम थे रह गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला इतना दूर चला गया कि ये दौड़ के भी नहीं पकड़ सके मदीने में ही रह गए जंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए वो अल्लाह के नबी की नज़र है हर सहाबी को जानते थे आज जो सलाम भेजता है उम्मती मेरे आका फरमाते हैं उसको मैं उसके बाप के नाम से पहचानता हूँ तो जो उस ज़माने में सहाबा थे क्या हुजूर उनको नहीं जानते थे कि कौन हाज़िर है कौन गायब है जंग में हाज़िर होने के बाद हुजूर ने पूछा काप बिन मालिक कहाँ है मुरारा बिन रबी कहाँ है हिलाल बिन उमैया कहाँ है साहबा ने कहा यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू सफ़र से वो हमारे साथ शामिल नहीं हुए वो आए नहीं कहाँ वजह कोई कहा किसी को ख़बर नहीं खैर जंग हुई वापस तशरीफ लाए मेरे आका मदीने थे वाह लम्बा सफ़र होता था 900 किलोमीटर मामूली नहीं है उस वक्त पैदल सफ़र होते घोड़ों पर और ऊंटों पर जंग के बाद जब वापस तशरीफ लाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आते ही इन तीनों को बुलवाया कहाँ हैं ये तीनों आप लोग दीन के कामों को हल्के में लेते हो और आपको लगता है कि नामों से रिसालत के लिए खड़ा होना ये सिर्फ इस किसी मौलवी का काम है या किसी मुफ्ती का काम है किसी मुबलिक का काम है यानी हर एक पर जिम्मेदारी है तीन ना जाते तो क्या फर्क पड़ता हज़ारों साहबा तो चले गए थे और जंग भी फतेह याब लेकिन वापस आने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजनिश फरमाई बुलवाया तीनों आए ये पूरी हदीस है बुखारी शरीफ में इसके रिवायत करने वाले ख़ुद हजरत काब बिन मालिक हैं जो पीछे रह गए थे वो ख़ुद ही इस हदीस के रावी हैं उन्होंने खुद अपना वाकया बयान किया है कि कैसे कैसे क्या क्या, क्या हुआ था फिर नबी पाक वसल्लम जब बुलाए तो तीनों सहाबा कहते हैं तीनों हज़ूर जब हमें तलब किए तो सबसे पहली चीज़ यही पूछने वाले थे कि क्यों नहीं आए वो कहते हैं हमने सोचा कि कुछ हेला कर लेते कुछ बहाना कर लेते किसी बीमारी का या किसी उज़्र का फिर वो कहते हैं उससे क्या बहाना करें जो दिलों के हालात को भी जानता सच सच कह दिया या रसूल अल्लाह वसल्लम गफलत की वजह से नहीं आ सके सुस्ती हम गफलत की वजह से पीछे रह गए कुरान ने यही इसमें बयान किया है कि मुनाफिकीन पीछे तो रह जाते हैं लेकिन जब पूछा जाए तो हीले बहाने करते हैं सच नहीं बोलते लेकिन मुखलिस ममिन का हाल ये है कुरान कहता है उनसे गफलत हुई तो बारगाह मुस्तफ़ा में आकर यह नहीं कहते कि बीवी पुकार रही थी बच्चा बीमार था हमें तकलीफ़ थी नहीं आकर सीधे कह गए क्या रसूल अल्लाह गफलत हो गई हमसे काहली से दूसरे साहबी से पूछा उन्होंने भी कहा यार रसूल्ला सोचता रहा शामिल हो जाऊँ शामिल हो जाऊँ नहीं शामिल हो सका ये मेरी गफलत है मेरी खता है तीसरे साहबी ने भी यही कहा कि गफलत है पता था उनको कि सज़ा हो सकती है याद रखो सज़ा के डर से कभी झूठ मत बोलो एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ गढ़ने पड़ते हैं फिर नबी पाक सल्ला वसम ने ऐलान क्या फरमाया दूसरे सारे सहाबा थे मस्जिद नबू में सबसे कहा उस वक्त तक इनसे कोई बातचीत मुसाफा सलाम कलाम नहीं करेगा जब तक इनके मुतालिक अल्लाह का कोई हुक्म नहीं आ जाता मैं ख़ुद इनसे कोई बात नहीं करूँगा नबी पाक वसल्लम ने फरमा ये बायॉट इस तरह का बायकॉट किस बात पर था सुस्ती और काहली की वजह से न आने पर आज लोग हजारों हीले बहाने तलाश कर रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर खड़े होने के लिए और वो भी लूले लंगड़े बहाने हैं ऐसी आज किसी की नौबत नहीं आई है कि उसकी गर्दन पर तलवार रख दी गई हो कि अगर हक बोलेगा तो काट दी जाएगी नहीं है अगर ऐसा होता तो आपका ये कमजरफ आदमी और कम इल्म आदमी इतना नहीं चीख रहा होता इतना नहीं चिल्ला रहा होता हम जितना बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए बोलते हैं जब तक अल्लाह ने आज़ादी अता की है हक बात बोलते रहो और सबसे बेहतरीन और अफजल जिहाद यही है जालिम बादशाह के आगे हक कलमा बयान करना आज न जाने कितने हीले बहाने हैं कितने बहाने हैं। मुझे पता है साल तो दो साल पहले पता नहीं क्या क्या चीज़ें पेश कर दी गई थी हमारे खिलाफ हमने सिर्फ़ इतना कहा था नामों से रिसालत के लिए हर मुसलमान खड़ा रहेगा मेरे आका की इज़्ज़त की बात है तो कुछ लोगों ने यह बताया कि हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं आप पूरी कौम को आग में झोंक रहे हैं उम्मत को तकलीफ़ में डालना ये कहाँ से जायज़ है मियाँ हक बात के हसूल के लिए तकलीफ़ में जाना ही पड़ेगा नबी पाक वसल्लम को भी क्या तुम इल्ज़ाम लगाओगे कि जब उनके पास कुछ माल था ही नहीं तलवारें नहीं थी हथियार नहीं थे तीन सौ तेरह निहत्ते को लेकर बदर में क्यों चले गए कोई सवाल करेगा जान जोखिम में क्यों डाल दिया हक बात के हसूल के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने असबाब पर भरोसा होता है नादानों उठो खड़े हो जाओ अल्लाह के ऐलान का भी कोई मतलब समझते हो कि नहीं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कान हक़ नालेना न सुरुमिन खड़े हो जाओ ईमान वालों की मदद करना अल्लाह फरमाता है मेरे ऊपर लाजिम है मैंने अपनी शान के लिए लाजिम कर लिया है अल्लाह ताला अपने लिए फरमा रहे हमने लाजिम कर लिया है अपने ऊपर ईमान वालों की मदद करेंगे इस पर किसी का यक़ीन नहीं लूले लंगड़े बहाने इस तरह के याद रखो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ जिसके सामने तुम्हें क़्यामत के दिन खड़ा होना है उसी की शफात तलब के तलबगार रहोगे कहां जाओगे मुंह छुपा कर उनसे जो मुंह फिर, फिराओगे तो कहां जाओगे वहां तो कयामत के दिन हर नबी ये एक कहेगा आज हमारा नहीं है मामला जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास उनके लिए मैं आज बात कर रहा हूं जिनके सामने तुम्हें खड़ा होना है मुझे पता है हमारी ये बात दूर दूर तक जाएगी और पहुंचेगी एक बात मैं बताऊं जब हालात मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ फैल जाएं उस वक्त अगर कोई आलिम खामोश रहता है तो फरमाया गया वो गूंगा शैतान है वो गूंगा शैतान है अल्लाह ताला ने उसे मनसब दिया लोग मेरे अजीज तो हमारे पास इतनी ताकत है कि मिंबर है ज़ुबान है और तबलीग का मैदान है हम बोल तो सकते हैं किसी को सख्ती के साथ उसकी गर्दन नहीं पकड़ सकते तो बोल तो सकते हैं अवेयरनेस लाना इसी का नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है मैं ये नहीं कहता मेरी वजह से लेकिन चंद ऐलानात की वजह से हमने लाखों नौजवानों को जज्बे जवान होते हुए देखा है वो जहाँ हैं उनके दिलों में इश्क रसूल धड़कता है इसीलिए मैं आज ये कहता हूँ वो तीन सहाबा को देखो जंगे तबोक में नहीं गए हजूर ने उनका कुल्ली तौर पर बायकॉट का ऐलान किया कि इनसे ना कोई सलाम करेगा ना मुसाफा करेगा ना कोई बातचीत करेगा चालीस दिन गुजर गए वो आते थे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए हज़ूर उनकी तरफ देखते भी नहीं थे उनसे कोई एक सहाबी भी बात नहीं करता था हती के चालीस दिन के बाद हज़ूर ने दूसरा ऐलान ये फरमाया कि उनकी बीवियाँ भी उनके साथ नहीं सोएंगी दस दिन और गुजर गए पचास दिन गुज़र गए हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं मैं इतना रोया था इतना रोया था कि मुझे ज़िंदगी इससे ज़्यादा ख़तरनाक कभी नज़र ही नहीं आई थी न किसी जंग में मैं डरा था न किसी भयानक हालतों में मैं खौफनाक तरीके से डरा था कहीं भी नहीं लेकिन ये जो बायकाट था ये जान निकालने वाला था ज़मीन तंग हो गई थी हमारी बीवियाँ हमसे नहीं बात करती थी क्योंकि सब रसूलुल्लाह की सोहबत याफ्ता है उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हुजूर सल्लल्लाहु करम अलैहि वसल्लम का हुक्म है शोहर हो अपनी जगह पर भाई होगा अपनी जगह पर हुजूर का हुक्म है नहीं बात करना है सलाम भी नहीं पचास दिन गुजर गए हजरत क़ाब कहते हैं रो रो करके मेरे हल्के पड़ गए थे और अल्लाह करीम की वारगाह में सच्ची तोबा करते रहे मौला हमने दिल में कभी तेरे नबी को धोखा देने की कोशिश नहीं की ना ही हमने कभी इस तरह की सोचा कि हज़ू अक्रम अलैहि वसम से पीछे रह जाएंगे ये हमारी सुस्ती है नफ्स की काहली है मौला तू माफ़ कर दे इन के रोने पर मौला को मौला करीम रहमत वाली आयत नाज़िल फ़रमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हुई वह खुल्लिफु بما बीमार और वो तीन लोग जिन पर जमीन तंग कर दी गई थी और ऐसी तंग हो गई थी कि उनके सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो गया था तुम मताब अल्लाम लिया तूबो फिर जब वो अल्लाह की तरफ लौट आए तो अल्लाह भी उनकी तोबा कबूल कर लिया इला तो तोबरीम बेशक अल्लाह सबसे ज़्यादा तोबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है इनकी तोबा का ऐलान हुआ अकरम अक्रम अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई यह आयत उसी वक्त नाजिल हुई हज़ू ने यह आयत जैसी तिलावत की दौड़े दौड़े सहाबा गए उन तीनों को ऐलान करने के लिए काब बिन मालिक खुशखबरी हो मुरारा बिन रवि खुशखबरी हो हिलाल खुशखबरी हो कहा क्या है आयतें उतर गई उनको वो कहते हैं उनकी कैफियत हजरतिकाब बिन मालिक को कहते मैं जिस हालत में था सरपट दौड़ता हुआ मस्जिद में आया दौड़ता हुआ मस्जिद नबूवी में आया और पहली मरतबा मैंने हजूर को मेरी तरफ देख कर मुस्कुराते हुए देखा और हज़रत काबिन मालिक कहते हैं मेरे लिए ज़िंदगी में इससे बड़ी ईद कभी आई नहीं इससे बड़ी ख़ुशी कभी आई नहीं जितनी खुशियाँ ज़िंदगी में आई थी सब एक तरफ लेकिन जिस दिन हमारी तोबा की कबूलियत की आयत उतरी और मेरे नबी को मुस्कुराते देखा साहबा कहते हैं इससे बड़ी ख़ुशी मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आई नबी पाक अलैहि वसल्लम इसीलिए कहा गया है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े आला हज़रत ने फरमाया है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सदा वो दिलों का करार है वो दिलों का सुकून है सहाबा इसके लिए हर स्ट्रगल करने को तैयार रहे उन्होंने ये नहीं कहा कि हुजूर ने बायकॉट का ऐलान कर दिया हम ख़ानदान में कैसे रहेंगे नहीं वो हमेशा ये कहते रहे हमारी गलतियों की सज़ा है पचास दिन तक सब्र करना मामूली बात नहीं दो महीने का अरसा गुजरने को आ गया था बीवियां नहीं बात कर रही बच्चे नहीं बात कर रहे हैं घर वाले नहीं बात कर रहे पड़ोसी नहीं मिल रहे सहावा नहीं मुसाफा कर रहे ख़ुद रसूलुल्लाह नहीं देख रहे हमारी तरफ फिर क्या हालत है लेकिन उनके सब्र का अल्लाह तबारक ऐसा सिला दिया कि तोबा कबूल तो कर ली लेकिन उनकी तोबा की कबूलियत को कुरान बना करके के तक के लिए नाजिल कर दिया अब क़्यामत तक मोमिन तिलावत तो करते रहेंगे लेकिन साथ में यह बशारत भी उनकी इसमें साथ रहेगी तीन लोग पीछे तो रह गए थे लेकिन इतना रोए कि अल्लाह ने उनकी शान में कुरान में आए थे उतार थी ये तीन लोगों के मुतालिक है बहरहाल आपकी जिंदगी में कभी अगर नामों से रिसालत का मसला आए हजूर की इज्जत की बात आए आए काएं मत करना हीले बहाने मत ढूंढना वरना फिर हालात संगीन हो जाएंगे क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए तुम्हारी जवानी किस काम आई थी तुम जब जवान थे तो हुजूर की इज़्ज़त के लिए क्या करना चाह रहे थे तुमने अपने तौर पर क्या किया मुतालबा तो करते बुरा तो जानते उन जालिमों को कोसते जो मेरे नबी पाक अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हैं बाज लोग हमसे ये कहते हैं आपके आपने क्या किया आप क्या करते हैं हम जितना चिल्लाते हैं ये भी उनके लिए मुसीबत से कम नहीं है हमें पता है हमें पता है इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गालियाँ दी जाती थी मक्का के जाहिल खुबसा तो हज़रत हसान साबित क्या करते थे हजरत हसान बिन साबित बेहतरीन शायर थे बेहतरीन शायर थे वो आते और नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला की शान में कसीदे पढ़ते और फिर जिस जिस ने गाली दिया था उसको चुनते थे फिर अपने अशार में उसकी ऐसी हिजू करते थे हजूर पाक उनके लिए कहते अल्लाह तुझे जिब्राइल अमीन से मदद करे यानी गुस्ताखान रसूल को चुन चुन करके जवाब देना ये साहब कराम की सुन्नत मुबारक है और बात है कि हजरत असान बिन साबित फ़ौर उठकर तलवार लेकर तो नहीं गए लेकिन अपने अशार में उन जालिमों की हिजू करते थे किसी ने कहा कि आप उन गुस्ताखान रसूल के लिए सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं आप हम दिल्ली में थे तो हम जो इन्वेस्टिगेशन वाले ऑफिसर्स थे वो भी हम ये कह रहे थे कि आप लोमड़ी लोमड़ी बार बार कहते हैं आप जिसको जवाब देते हैं उसको पाकंडी कहते हैं लोमड़ी कहते हैं हमने कहा हाँ बिल्कुल कहते हैं इसलिए कि जो गार में गुफे में छुप करके बार बार इस तरह के हमले करता है उसको लोमड़ी कहा जाता है अगर गट्स है हिम्मत है तो आ जाए जिस तरह मैदान में दिल्ली में ऐलान किया गया था मस्जिद में जामा मस्जिद में और हमने ये ऐलान भी किया था इन जालिमों और ख़बीसों की क्या औकात इनकी सात नस्लें भी मेरे आका की इज़्ज़त के लिए बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सकेंगे तू घटाए से किसी के ना है ना घटेगा या रसूल अल्लाह जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा लेकिन एक बात है मेरे अजीज हो आपको अल्लाह ताला ने जितनी ताकत दी जितनी इस्तात दी जालिमों को मुंह तोड़ जवाब देते रहें और उनको उनकी औकात बताते रहें इसलिए कि हमें पता है आपको ऐसा लगता होगा हमारे बोलने से क्या होता है होता है बहुत होता है आग लगती है जीना हराम होता है उनके लिए खिफत और सुबकी और शर्मिंदगी जो है यही एक मौत के बराबर होती है कि ताकत हमारे पास है क़वत हमारे पास है पूरा डिपार्टमेंट लेके बैठे बैठे पूरी हुकूमत हम लेकर के बैठे हैं और एक टूटी पूटी जमात का एक मौलवी हमारे लिए इतने चैलेंज का ज़रिया बन जाता है ये तो और क्या है मेरे अजीजों अल्लाह तबारक वाली ने जब तक ताकत व क़ुवत अता की है मेरे नबी के गुस्ताखों को जवाब देने की मुनाफ़िन में मत आओ कि सुन करके ऐसे ही कानों से ले लिया और उसके बाद फिर खामोशी से सोचते रहे कि देखा जाएगा कोई तो उठेगा जवाब देगा बाज़ जमाते हैं बेचारी वो तबलीग के लिए तो पूरे पूरे घर छोड़ करके जा चली जाती हैं चालीस चालीस दिन तक भी अच्छी बात है तबलीग कर रहे हैं चिल्ले में छट्टी में जिस तरह से भी जाए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों के लिए भी जवाब के लिए कमर बस्ता हो जाओ आ, नहीं 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 हम यहाँ मस्जिद में बैठ के बद करेंगे उनके मुँह में कीड़े पड़ जाए ये दुआ तो औरतों के लिए है औरतें वो अपने घर में बैठ कर के दुआ करती रहें उनके ऊपर ऐसी तमाम चीज़ें ज़रूरी नहीं की गई अल्लाह ताला ने आपको जिस चीज़ का मनसब दिया है उसका इस्तेमाल करें लोगों में बेदारी जाहिर करें और ईमान की क़वत नौजवानों के अंदर ऐसी रहे कि ये जहाँ जीता रहे वो सर उठा करके जिए कि मेरे नबी सच्चे अखलाक वाले थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे आला किरदार पर पैदा किए गए थे बहरहाल ये मुनाफिकीन में हमारा शुमार ना हो मैंने जिन तीन का जिक्र किया वो सहाबा थे वो मुखलसिन थे वो ममिन थे इन आय ये सूरह तौबा की आखिरी आयत है जो बड़ी फ़ज़ीलत की हामिल है

हरी सुना कुम बीन वो सिर्फ तुम्हारे ईमान की तलब रखता है राऊफर्रहीम नहायत ही नरम दिल है शफकत करने वाला रसूल पाक की सिफात इसमें बयान की गई मेरे अजीज़ों यकीन मेरे आका सल्लल्लाहु आकली तसलम को हमारा तकलीफ़ में पढ़ना गंवारा नहीं इसीलिए तो उम्मती उम्मती करते रहे जिंदगी भर बाज़ बुजुर्गों ने यह भी फरमाया कि अगर किसी उम्मती के पाँव में कांटा भी चुप जाए तो हुजूर फरमाते उसका दर्द मुझे भी होता है वो हमारी तकलीफ़ को गवारा नहीं करते रसूल जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा याद उसकी अपनी आदत कीजिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ कर के हमारा ख्याल करने वाला इस रूए ज़मीन पर कोई नहीं आया कोई नहीं आया वो हमारे महसिन आज़म हैं यहाँ पर भी याद करते रहें कबर में भी जब तुम जाओगे तब भी वहाँ तशरीफ़ लाएंगे और आखिरत में भी कयामत के दिन भी हाल यही है हाल यही है एक सहाबी ने पूछा हुजूर आपको कयामत के दिन मैं कहाँ ढूंढूं कहाँ तलाश करूँ मेरे आका ने फरमाया तीन एड्रेस दिए मैदान कयामत में ढूंढने के तीन पते थे कहा मेरी उम्मत प्यास से तड़प रही होगी तो हौज़े कौसर पर मैं जाम भर भर करके अपनी उम्मतियों को पिला रहा हूँगा वहाँ तुम मुझे ढूंढ लेना अगर वहाँ नहीं मिला तो अमल जहाँ लोगों की निकियाँ और बुराइयाँ तोली जा रही होंगी वो बहुत सख्त मामला होगा तोल करके वहाँ पर अमल किसी के बुराइयों का पल्ला भारी होगा वहीं फरिश्ते उसको मुँह के बल खींचते हुए दो जख़् में ले जाएंगे फ़ौर हुक्म हो जाएगा वो सख्त मामला हैज़ूर फरमाते मैं वहाँ खड़ा रहूँगा क्या दुआ करते करते अपने उम्मतियों के नेकियों में कुछ ना कुछ डाल करके उनका पल्ला भारी कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरह ये बच जाए ये बच जाए यहाँ तक कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु सल्ला तम के मुतालिक ये भी है कि एक उम्मती परेशान हाल था रो रहा था क्योंकि जैसे ही फरिश्ते मीज़ा अमल में ले आए उसको पता था कि क्या होना है आला हजरत ने इसका पूरा नक्शा जो है एक नाथ में खींचा है भुना पूरे अशार मुझे याद नहीं लेकिन सुनोगे तो पूरे कयामत का मंजर उसमें है किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है हर तरफ हैरत ददा तख्ता क्या है अला ने इसमें ये फरमाया है और एक वक्त ऐसा आएगा कि उम्मती परेशान होकर मीज़ान अमल पर खड़ा होगा हुजूर बहुत तेज़ क़दमों से वहाँ पर पहुँचेंगी हुजूर आओ वरना दम में फैसला हो जाएगा उम्मती पुकार रहे होंगे तो हुजूर आ गए उसके अमाल तोले ही जा रहे थे उसकी नेकियां थी नहीं या कम थी बुराइयों का पल्ला भारी हो रहा था वहाँ कयामत के दिन जो तराजू है यहाँ दुनिया के तराजू के बरक्स है यहाँ आप उठाएंगे तराजू अब तो सब डिजिटल है आपको क्या पता चलेगा हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं तराजू होता कैसा था तोलने के लिए जो होता था पहले ऐसा काटा उठाते थे और दो पल्ले होते थे एक पे पत्थर रखा जाता एक पे सामान रखा जाता जो वज़न होता है वो किधर जाएगा नीचे जाएगा ना जो वज़न होगा वो नीचे होगा जो हल्का होगा वो ऊपर जाएगा लेकिन डिजिटल में तो कुछ पता नहीं खाली नंबर आते हैं कयामत के जिन तो ता, जो तराजू है उसके डिजिटल होने का कहीं पर सबूत नहीं है के नंबर आएंगे वहाँ पर भी ऐसे ही तराजू होंगे दो पल्ले होंगे लेकिन वहाँ के मुतालिक फ़रमाया गया कि जिसकी नेकियां भारी होंगी वो नीचे नहीं जाएंगे जो जो पल्ला भारी होगा वो ऊपर जाएगा जो भारी होगा कयामत के दिन ऊपर जाएगा बुराइयाँ भारी होंगी तो ऊपर जाएंगी नेकियां भारी होंगी तो वो ऊपर जाएँगी पल्ला भारी होगा यानी ऊपर हो जाएगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ कदमों से आ गए उस उम्मती के पास तवज्जो अल्लाह करे कि उनमें वो उम्मती हम ही हूं तेज़ कदमों से आए उसका पल्ला बुराइयों का ऊपर जा ही रहा था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियों के पल्ले में कोई चिट्टी उसमें रख दी कोई चीज़ रख दी अचानक उसकी नेकियों का पल्ला भारी हो गया और फरिश ने कहा जा फलां बिन फलां तुझे जन्नत का परवाना सुनाया जा रहा है वो इतना खुश था वजद में आ गया मेरे आका से अर्ज करने लगा यार रसूल अल्लाह ये क्या था मैं तो गया था बर्बाद जहन्नम में जाता ये क्या था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं याद है एक रात सब सोए थे तू तनहा बैठा था सब सोए थे और रात को तू तन बैठा और दिल से याद करते हुए मुझ पर एक बार दुरूद पड़ा था वो मैंने महफूज कर लिया था तेरा दुरूद वो आज यहां लाकर पल्ले में रख दिया वो सबसे भारी हो गया इसीलिए मेरे मुफ्ती आजम हिंद यूं फरमाते हैं मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया